आए हैं राशिद मॉल अभी जब मतलब काफ़ी टाइम बाद इस गेट से राशिद मॉल के मेन गेट से एंटर हो रहे हैं। अली अहमद और हिबा के साथ आई हूँ मैं मॉल, और इन्होंने बड़ा डेकोरेट किया हुआ है राशिद मॉल को बाहर से। और इस टाइम आज संडे का दिन है, अगर अंदर जाके पता चलेगा कितना रश है। पार्किंग में तो हैं गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मेन गेट पे तो काफ़ी रश नहीं होता, वीकेंड्स पे भी रश नहीं होता, सुकून वाला कंट्री है। देख लिया आप लोगों ने अहमद की बात सुन ली, ये सारे मॉल का अंदर एंटर होने का रास्ता सारा इन्होंने सजाया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं आई हूँ राशिद मॉल, एक टाइम बहुत टाइम के बाद आई हूँ जब मैं यहाँ रहा करती थी। और बचपन में यहाँ खोबर के अंदर सिर्फ यही एक मॉल होता था, हम लोग सिर्फ इधर ही आते थे। और अभी पाकिस्तान से आने के बाद 3 साल बाद इस मॉल में आई हूँ, तो अब ज़रा यहाँ थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी। आज संडे का दिन था, मैं सोच के आई थी आज ज़रा यहाँ पर रश नहीं होगा, मगर आज भी यहाँ पर रश है। मतलब इतना नहीं है, पाकिस्तान के कंपैरेटिवली बहुत बहुत कम है, मगर रश है तो फिर भी कोई बसता नहीं है, वीडियो मैं बना लूँगी। ये सेफोरा की शॉप नहीं खुली है। अच्छा, मैंने आप लोगों को फाउंटेन दिखाना था, मैं आप लोगों को फाउंटेन दिखाती हूँ। इस साइड पर भी लोग हैं, तो ये यहाँ राशिद मॉल, जो लोग पहले रहते हैं उन्हें पता होगा कि पहले यहाँ वो होता था, मतलब ऐसे ये वाला एरिया होता था। तो मुझे याद है बचपन में तो इधर आके मैं बहुत खेला करती थी, इसमें भागा करती थी। फिर उन्होंने इसे डांसिंग फाउंटेन बना दिया, और जब डांसिंग फाउंटेन बनाया था तब भी एक बहुत नई चीज़ थी ये, और आई थिंक वो ये सबसे पहले राशिद मॉल के अंदर ही आई थी। तो तब भी हम लोग सब ईद पे आए थे डांसिंग फाउंटेन देखने के लिए। और अब मुझे नहीं पता कि ये चलता है क्या नहीं चलता, वैसे मुझे लगता है इसे चलना तो सही है ना, हो सकता है ना। क्या टाइम हो रहा है? 8:48। हाँ, तो फिर अगर ये कुछ टाइम में चलेगा तो फिर मैं इसे रिकॉर्ड करती हूँ। और ये पहला फाउंटेन था जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे दुबई के बाद। मैं आज सोहेब नहीं आया ना, तो अहमद को हमारे साथ घूमना पड़ा एक एक दुकान लड़कियों वाली। वो वर्ल्ड में लगी हुई है कोई सेल। H&M के अंदर नाइस कोट। हमने क्या था ये H&M का होम वाला सेक्शन। अच्छा ना, इनके पास कोई सेल्समैन सेल्स कर ले, इतना खाली आराम से। आप लोगों को ना मेरी हर ब्लॉग में एक ही बात सुनने को मिलती है मेरे लिहाज मेरी तरफ से, कि इतना सुकून है, इतना सुकून है। क्योंकि मुझे सुकून बहुत अरसे बाद देख के ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और क्या चीज़ ये भी अच्छा है, पता नहीं है क्या। ये क्या है? चमचियाँ रखने वाले हैं। हैं? चमचियाँ रखने वाले ही हैं। ये भी प्यारी चीज़ें हैं वैसे डेकोरेशन के लिए। टोकरी 50 रियाल की टोकरी। यार ये वो साले डालने वाली डोई थी लंबी। डोई नहीं है, चमचा है। हाँ वही चमचा। बंदा खाना तो खा नहीं सकता। प्यारा है। नहीं हमें इधर ही है। ये क्या है? तो वॉशरूम में रखने वाले कप्स हैं ना। ये हम लोग एक्सकलेटर से ऊपर आ गए हैं, और एक्सकलेटर से ऊपर आके सबसे पहले स्टारबक्स है, जो कि काम की चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ राशिद मॉल के अंदर ना कोई इतनी कोई अच्छी दुकानें नहीं है, सब बस सोसो हैं। वो मोल्टन चॉकलेट भी मुझे नज़र आ गया कैमरे के थ्रू। स्टारबक्स ये नया बना है, और ऊपर वाला जो होता था ना, ऊपर वाला बंद हो गया है। वो देखा था वॉकर? कहाँ? वो आंटी नानू का वॉकर लेके जा रही थी ब्लू कलर का। वो वाली आंटी? हाँ। अब तो चली गई काफ़ी दूर। नहीं मैंने नहीं देखा था, वरना मैं उसकी भी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेती। याद है पहले हम भी यहाँ फेस पेंटिंग कराया करते थे? ये फेस पेंटिंग नहीं है, ये वो है भाई, इसको ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ मगर तब वो लगा होता था ना, अभी खुद ड्राइंग वाला लगूगा। राशिद मॉल बहुत हद तक खाली है, यहाँ कोई काम की दुकान नहीं है, इसीलिए ना यहाँ पर लोग भी नहीं है। अभी देखिए कोई कोई दुकानें हैं, और यहाँ से खाली है पोर्शन, ऊपर से खाली है,
सारा खाली है। अभी ना अहमद गया ऊपर नमाज पढ़ने के लिए, तो हिबोन में ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाके फूड कोर्ट देखते हैं फूड कोर्ट का क्या हाल है। क्या यहाँ नीचे देख के लग रहा है ना हिसाब, मुझे लगता है फूड कोर्ट भी खाली होगा। ओ ये बोले फाउंटेन है, बस एक वैसे के वैसे ही है। जब हम छोटे होते थे तो हम यहीं खड़े रहते थे इतना इतना टाइम, पता नहीं क्या मज़ा आता था तब, फिर इतनी चीज़ें होती भी नहीं थी, तो ये भी होना बहुत बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा लगता था। पता नहीं मुझे एक्सकर्शन पे फूल एक हाथ से पकड़ के ना अजीब सा लग रहा है। एम्पायर सिनेमा, अच्छा यहाँ पे एक नई चीज़ हुई है, कारफोर साइड पे एम्पायर सिनेमा खुल गया। आज तो नहीं जाना होगा कारफोर, मगर जब जाना होगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि एम्पायर सिनेमा बाहर से कैसा लगता है। बाहर से तो अच्छा लगता है, पर अभी ऐसे कोई मूवी नहीं आई हुई, अगर देखनी हुई तो कोई इंडियन मूवी देखने जाऊँगी। ये तो सारा खाली है यहाँ से, हाँ यहाँ कवर्स की शॉप होती थी यहाँ यहाँ। बाकी राशिद मॉल का बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है, अंदर इंटीरियर वैसा ही है, वही टाइल्स लगी हुई है सालों पुरानी है और वही सारा कुछ है। और एक पिछले दिनों एक पोस्ट भी आया था कि राशिद मॉल की रेनोवेशन स्टार्ट होने वाली है, और राशिद मॉल की रेनोवेशन के ऊपर पता नहीं एक मुझे नहीं पता, मुझे सही नहीं पता, सिर्फ $1 बिलियन या कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इसके लिए अलग कर दी गई है कि इतना पैसा इसके ऊपर लगेगा इसके रेनोवेशन के ऊपर। तो ये आई थिंक सबसे बेस्ट मॉल बन जाएगा से यहाँ, मतलब कोई प्रिंट ओन करता राशन में। जो पूरी टिक्का होता था वो बंद हो गया है यार। एम्पायर को काफ़ी, एम्पायर सिनेमा को काफ़ी एडवर्टाइज कर रहे हैं ये बार। नीचे चलें, कहाँ जाना है? क्रिस्पी क्रीम जाके बैठे, पूरा मॉल तो हमने घूम लिया, फूड कोर्ट भी सारा खाली पड़ा हुआ है। अच्छा जब हम लोग आते थे ना, अब जब हम लोग आते थे ना वीकेंड पे पहले राशिद मॉल, तो यहाँ पे फूड कोर्ट में इतना रश होता था जगह ही नहीं मिलती थी, मतलब तो खड़े हो गए फिर कोई टेबल मिल जाती थी, फिर चेयर उसकी अलग अलग घूमनी पड़ती थी, तो अब तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। खैर शायद आज वीकेंड नहीं है इसलिए, आई थिंक दोबारा जब रेनोवेट हो जाएगा तो उसके बाद ही इसकी कोई शक्ल निकलेगी, अभी तो बिल्कुल खाली है। और ये अहमद नमाज पढ़ के आ गया है, और मैं सच्ची में कुछ नहीं है तो मैं दिखाऊं क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये फाउंटेन भी चार पे मुझे लगता है अब नहीं चलता, अब ये भी बंद हो गया। इधर बस राशिद मॉल के अंदर खाने पीने वाली चीज़ें काम किया, उसके अलावा कुछ और काम कर नहीं है। ये एक वही दुकान बच गई है पांडा में एक यहाँ पे, और ये अब हम लोग वापस जा रहे हैं।